नमस्कार साथियों। साथियों देखिए, प्रकृति की खूबसूरती का एक और नमूना मैं आपको दिखाता हूँ। ये है हेलिकोनिया। हेलिकोनिया एक जीनस है और ये ट्रॉपिकल अमेरिका का मूल निवासी है। ये पौधा हेलिकोनिया जीनस में करीब 200 प्रजातियां हैं और ये उसमें कटिबंधीय क्षेत्र जो होते हैं कोस्टल एरिया में। देखिए इसका फूल का, देखो ये एक्चुअली फूल तो इसके अंदर है, ये मॉडिफाइड या सेकेंडरी लीव्स है। इसमें गजब की खूबसूरत, ये ऐसे लटकते हैं, हैंगिंग करते हैं प्लांट से। और जो इस पौधा जो होता है ना, आपने जो उसका देखा होगा केले का पौधा, केले की पत्तियां होती हैं, देखो ये केले की पत्तियों के जैसा होता है। तो हेलिकोनिया जीनस जो है उसमें 200 प्रजातियां, अलग अलग किस्म के उसमें ये फ्लावर आते हैं और हमिंग बर्ड वगैरह को बहुत ज़्यादा आकर्षित करते हैं। गजब, इसको देखो, ये देखो पंजा सा बनाता है, जैसे इसको लोबस्टर क्ला भी कहते हैं, यानी केकड़े का पंजा, केकड़े का पंजा भी इसको बोलते हैं, इसको हेलिकोनिया भी बोलते हैं, इसको झूठा स्वर्ग का पक्षी भी कहते हैं, तो कई नामों से इसको पुकारते हैं। और ये एक्चुअली ठंड से घबराता है, तो ठंड में नहीं हो पाता, ये केवल ट्रॉपिकल एरिया उष्णकटिबंधीय क्षेत्र हैं हमारे, जहाँ पे ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है, जहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा होता है, वार्म होती है कंडीशन, वहाँ पर होता है। और ये हाउस प्लांट भी है, क्योंकि ये शेड में भी हो जाता है, पेड़ पौधों के नीचे अच्छा होता है, शेड में ये अच्छा होता है। और इसको नमी चाहिए, नमी अगर बनी रहती है, इसे दिन में दो बार पानी दें सुबह शाम, तो ये अच्छा चलता है। और लेकिन बस ठंड से ये घबराता है। बाकी ये केले की तरह, केला जो हमारा है उसी के परिवार का पौधा है ये हेलिकोनिया, लेकिन इसके फूल इसके जो हैं बहुत आकर्षित करते हैं। ये फूल जो आकर्षित करते हैं, उसी की वजह से मेरी इच्छा हुई कि इस पौधे का मैं वीडियो शेयर करूं आपसे। तो ये बड़ा ही खूबसूरत सा पौधा है और ये अपना जो कोस्टल एरिया है, जो समुद्री किनारे होते हैं ऐसे एरियो में, जहाँ ह्यूमिडिटी ज़्यादा रहती है, जहाँ गर्मी ज़्यादा पड़ती है, तो वहाँ ये अच्छा होता है। और ये बड़े पेड़ों के नीचे या शेड में, फुल सन में भी हो जाता है, लेकिन पत्तियां झुलसने लगती हैं इसकी। ये शेड पसंद करता है, नमी पसंद करता है, सूखा लेकिन सहन कर लेता है, सूखा ये सहन कर लेता है। रोशनी में, फुल सन में भी हो जाता है, हाउस प्लांट भी है ये, तो इसको उगा सकते हैं। तो ये पौधा जो हमारा है हेलिकोनिया, जिसको मैंने बताया केकड़े का पंजा या स्वर्ग का झूठा पक्षी, बहुत सारे नामों से इसको पुकारते हैं, लेकिन जो भी नाम जो भी है, लेकिन इसका जो फूल है ना, वो इसको पैरट, एक प्रजाति इसमें होती है जिसको पैरट भी बोलते हैं, ये लोबस्टर हेलिकोनिया रोस्टाटा लोबस्टर, और पैरट की चोंच होती ना, तोते की चोंच, बिल्कुल उसी तरह की ये भी बनाता है। देखिए तोते की चोंच ऐसी लगती ना बिल्कुल, तो उसी तरह का। तो सनलाइट के बारे में बताया इसको मैंने कि शेड इसको ज़्यादा पसंद है, मॉइस्चर के बारे में बताया, इसे नमी पसंद है, इसकी जड़ों में नमी होनी चाहिए। तीसरा, सनलाइट, इसको शेड पसंद है, पौधों की छाया में, फिल्टर सन इसको पसंद है, तो वो फिल्टर सन में है हेलिकोनिया बड़ा अच्छा होता है। तो ये पौधा आपको, इसके फूल गजब के फूल, गजब की खूबसूरती वाला पौधा है। और इसको अगर उसमें भी लगा सकते हैं, जैसे केले को हम लगा लेते हैं पॉट में भी पूजा वूजा करने के लिए, इसको भी लगा ले। केले के परिवार का ही पौधा है ये, बस पत्तियाँ लगभग मिलती जुलती उतनी चौड़ी हैं, उतनी ही बड़ी हैं, और ये आराम से उगाया जा सकता है। बस इसको वार्म वेदर चाहिए, ह्यूमिड वेदर चाहिए, और नम मौसम चाहिए, और जड़ों को इसकी पानी चाहिए, बाकी ये सहन कर लेता है। बहुत तेज़ रोशनी और बहुत ज़्यादा ठंड से, बहुत तेज़ धूप से, चमचमाती जो चिलचिलाती धूप, उससे बचाना है। तो थैंक यू दोस्तों, कैसा लगा वीडियो बताइएगा।